guys, today we are starting with exercise 2.1. So let's start. So our first question is, write the next three natural numbers after 10,999. तो आपको इस नंबर के आगे के नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो सिंपली आपने ये चीज कर रखी है, जब आप छोटे थे तो आपको बोला जाता था, सपोज मैं यहाँ पे नंबर लिख ले रही हूँ 8, ठीक है, आपको बोला जाता था आप इसके आगे के नेक्स्ट थ्री नंबर्स लिखो। आपको काउंटिंग आती है तो आप डायरेक्ट लिख देते थे 9, 10, 11, राइट, आप तो डायरेक्ट लिख देते थे क्योंकि आपको काउंटिंग आती है। बट अब क्या है, आपको इसके नंबर्स लिखने हैं, ठीक है, काउंटिंग आपको आती है, लेकिन अगर मैं इसमें देखूं, कुछ नोटिस करो आप, तो 8 में अगर मैं प्लस 1 कर रही हूँ तो आपका 9 आ गया, ऐसी अगर मैं 9 में प्लस 1 कर रही हूँ तो आपका 10 आ गया, सेम 10 में अगर मैं प्लस 1 कर रही हूँ तो आपका 11 आ गया। तो सिंपली आपको इससे क्या मिला कि अगर मैं इस नंबर में प्लस 1 करूंगी तो मुझे आगे का नंबर मिल जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपका नंबर है सी, आपको इसके नंबर लिखने हैं, ये है आपका 10999, क्लियर, ये आपका नंबर है 1099, आपको इसके आगे के थ्री नंबर्स लिखने हैं। सो आई एम पुटिंग डैश हियर, ठीक है। अब मैं इसमें क्या करूंगी, प्लस 1 कर दूंगी, ठीक है, प्लस 1 मींस ये मैंने अगर मैंने इसमें प्लस 1 करा तो 9 प्लस 1 इज 10 एंड 1 विल गो टू कैरी, अगेन 9 प्लस 1 इज 10, 1 विल गो टू कैरी, 9 प्लस 1 इज अगेन 10, 1 विल गो टू कैरी, 1 प्लस 0 इज 1 और ये 1, तो आपका आंसर आया है 11,000। तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 11,000। अगर मैं 11,000 में फिर से प्लस 1 कर देती हूँ तो आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा, और जब आप इसको प्लस 1 कर लो तो आप इसे इजिली रब कर दो ताकि पता लगे कि हमें तो सिर्फ नेक्स्ट नंबर 3 ही लिखने थे, ठीक है, तो मैंने इसको ये रब कर दिया। अब मुझे इसके अगला वाला नंबर चाहिए, मैं इसमें नहीं ऐड करूंगी, अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी, तो ये आ जाएगा आपका 0 + 1 = 1, 0, 0, 1, 1, तो आपका नेक्स्ट नंबर आया है 1001, ठीक है, तो ये है आपका सेकेंड नंबर। अब मुझे थर्ड नंबर चाहिए, तो थर्ड नंबर के लिए मैं सेकेंड नंबर में प्लस 1 कर देती हूँ, तो सेकेंड नंबर है ये आपका, अगर मैं इसमें प्लस 1 करती हूँ तो आई विल गेट 1 + 1 = 2, देन 0, 0, 1, 1, तो आपका आया 1002। तो आपको ऐसे थ्री नंबर्स निकालने, नेक्स्ट थ्री नंबर्स, नेक्स्ट थ्री नंबर्स का मतलब आगे जाने के लिए मैं क्या करूंगी, प्लस 1 करूंगी, ठीक है। तो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। So your question number 2 is, write the three whole numbers occurring just before 10,001. अब आपको before, एक number यहाँ पे show हो रहा है before, before का मतलब है पहले वाले, before का मतलब है पहले वाले। तो मैंने जो इसमें example दिया था, that means अगर मैं एक example लूँ 6, तो 6 के पहले वाले आपको numbers लिखने हैं। तो पहले वाले numbers कैसे आएंगे, 5, 3, 5, 4 and 3, बैकवर्ड काउंटिंग इतनी है, दैट मीन्स बैकवर्ड काउंटिंग के लिए अगर मैं इसमें देखूँ, अगर मैं 6 में माइनस 1 कर देती हूँ मुझे 5 मिलेगा, अगर मैं 5 में माइनस 1 कर देती हूँ मुझे 4 मिलेगा, अगर मैं 4 में माइनस 1 कर देती हूँ मुझे 3 मिलेगा। तो दैट मीन्स मुझे सिंपली अब इसके अंदर क्या करना है, मुझे इसके अंदर माइनस 1 करना है। तो आपके पास क्या नंबर है, मुझे कितने नंबर फाइंड करने हैं, 1, 2 and 3, थ्री नंबर्स फाइंड करने हैं। तो ये जो आपके पास नंबर है इसके अंदर मैं क्या कर दूंगी, माइनस 1, ठीक है, बिफोर का मतलब पहले वाला, पहले वाला मतलब आपको पहले वाला निकालने के लिए क्या करना है, माइनस 1, आगे वाला निकालने के लिए हम प्लस 1 करते हैं और पहले वाला निकालने के लिए हम माइनस 1 करते हैं। मैंने माइनस 1 करूंगी, 1 - 1 = 0 और फिर ये 0, 0, 0 and 1, तो सिंपली आपके पास पहला नंबर आ गया 10,000, क्लियर। अब सेकेंड नंबर निकालने के लिए मैं किस में से माइनस करूंगी, ऑब्वियसली इस वाले में से माइनस करूंगी, ठीक है, तो इस वाले में माइनस कर देती हूँ, ये है, इसके अंदर मैं माइनस कर देती हूँ फिर से 1। अब इसके अंदर माइनस करने के लिए दैट मीन्स ये 0 है अभी, तो 0 में 1 नहीं माइनस होगा 0 में से, तो मैं
साथ वाले से कैरी लूंगी, लेकिन साथ वाले के पास भी जीरो है, उसके पास भी कुछ नहीं है, मैं उसके साथ वाले से लूंगी, उसके साथ वाले के पास भी जीरो है, फिर उसके साथ वाले से लूंगी, इसके पास भी जीरो है, लेकिन जो इसके साथ वाला है उसके पास वन है, तो वन है दैट मीन्स वो कैरी दे सकता है अपना, बोरो दे सकता है, तो उसने अपना वन क्या करा, अपने साथ वाले को दे दिया और खुद क्या बन गया, जीरो बन गया। उसके बाद ये टेन बन गया, अब टेन अपना वन अपने साथ वाले को दे देगा, टेन ने अपना वन दे दिया तो वो क्या बन गया, खुद नाइन बन गया। अब ये जो साथ वाला टेन बन गया था, इसने अपना वन दे दिया इसके साथ वाले को, तो ये टेन बन गया और ये वाला नाइन बन गया, ये टेन इसको दे देगा, ये टेन बन गया और ये अब नाइन बन गया, क्लियर। तो अब ये लास्ट वाला मतलब अब तो टेन बन गया जीरो से, क्योंकि उसने तो बोरो ले लिया अपने साथ वाले से, तो टेन में से अगर माइनस वन करोगे तो आपके पास आएगा नाइन, और ये जो ऊपर नाइन है ये आप सिंपली ऐसे ही लिख दोगे, तो आपके पास क्या नंबर आया है, 9999। सो दिस इज योर सेकेंड। नाउ लेट्स कम टू थर्ड मंथ। थर्ड मंथ के लिए आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे वन किस में से, जो आपने अभी निकाला 9999, 9 में से 1 गया आपके पास 8999, दिस का आंसर आ गया 9, 9, 9 and 8, क्लियर। तो आपको दैट मींस इससे हमें पता लगता है, अगर हम प्रीवियस वाला निकाल रहे हैं, मींस पहले वाला निकाल रहे हैं, तो हमें माइनस वन करना है, अगर हम आगे वाला निकाल रहे हैं तो हमें प्लस वन करना है। आई होप आपको क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू एक्सरसाइज 2.1 के क्लियर होंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, स्मॉलेस्ट आपको होल नंबर बताना है। अब मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपको बताया था होल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं, अगर आपको याद हो तो थोड़ा बैक चलते हैं। होल नंबर्स जो हैं, जो आपके होल नंबर्स हैं वो आपके किससे स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑन लाइक दिस। और आपके जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपके किससे स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बट आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होगा, 0, क्योंकि 0 से पहले तो और कोई नंबर आता ही नहीं है होल नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा 0, क्लियर। तो ये है इसका आंसर। अगर आपसे पूछा जाता नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट बताना तो आप 1 लिखते, बट आपसे होल नंबर पूछा गया है तो आपका आंसर है 0। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 and 53। दैट मींस ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको आता भी होगा, ठीक है, लेकिन इसमें कैलकुलेशन है, ठीक है। तो मैं इसको बताती हूँ, मैं सिंपल इसका एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर मैं ले रही हूँ 5 और 7, अगर आपसे बोला जाए 5 और 7 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, ठीक है, कितने नंबर्स और आएंगे, तो आप क्या करोगे, आपको काउंटिंग आती है, आप सिंपली बता दोगे इसके अंदर 1 नंबर और आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसे कैलकुलेशन फॉर्म में दिखाना तो मैं क्या करूँगी, मैं 7 में से 5 को माइनस करूँगी, और 7 में से मैंने 5 को माइनस करा तो मुझे 2 मिला, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर्स तो नहीं आएंगे ना, तो मैं 2 में से किसको माइनस कर दूंगी, 1 को माइनस कर दूंगी, तो कितने नंबर आएंगे, ओनली 1 नंबर आएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पे 6 आएगा, एक नंबर लेफ्ट है, तो मतलब 6 आएगा, 5, 6, 7, अब कंप्लीट हो गया ये। लेकिन अगर मैं इसी से, अभी तो ये छोटा एग्जाम्पल था, अगर मैं थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज करो मैंने लिया 3-10, ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, 3-10, और आपसे बोला जा रहा है कि इसके इनके बीच में 3 और 10 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर मैं यही वाला मेथड यूज करूँ तो देखते हैं क्या ये सही है या नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 10 में से 3 को, पहले मैंने 7 में से 5 को माइनस किया था, तो ऐसे ही मैं 10 में से 3 को भी माइनस कर देती हूँ, 10 में से 3 को माइनस कर दिया, 10 में से 3 को माइनस करने के बाद मुझे मिला 7, और मैंने यहाँ पे मुझे 2 मिला था तो मैंने 2 में से 1 माइनस कर दिया था, और ऐसे ही मुझे 7 मिला तो मैं 7 में से 1 माइनस कर देती हूँ, 7 में से 1 माइनस कर देती हूँ, तो 7 में से 1 माइनस करने के बाद आंसर आया है 6। दैट मीन्स यहाँ पे 6 नंबर्स अभी और आएंगे,
ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने नंबर्स का है, 6 नंबर्स का है, एक बार देखूं कि ये सही है या नहीं, देखते हैं। तो 3 के बाद क्या आता है, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब आप काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दैट मीन्स ये मेथड वर्क कर गया। अच्छा मेथड है ये, हम इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है आपको किसके बीच में निकालने हैं नंबर्स, 32 और 53 के बीच में, ठीक है, 32 और 53 के बीच में आपको होल नंबर्स बताने हैं कि कितने और आएंगे। तो मैं उसी मेथड से सॉल्व करती हूँ, 53 में से 32 को माइनस करती हूँ और पहले देखती हूँ कि क्या आंसर आएगा। आप माइनस करके देखो 53 में से 32 को, तो आपके पास आएगा 3 में से 2 गए 1, 5 में से 3 गए 2, तो ये आएगा आपके पास 21। ये तो मेरा रफ वर्क था, तो मैं इसको रफ भी कर दूंगी साइड में से। तो 53 में से मैंने अगर 32 को माइनस किया है तो मेरे पास 21 आया। अब मैं 21 में से क्या कर दूंगी, माइनस 1, तो ये आया है आपके पास 20। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या है, आपका आंसर है यहाँ पे 20। दैट मीन्स 20 यहाँ पे नंबर्स, 20 नंबर्स का यहाँ पे गैप है, ठीक है। सो दिस वॉज अ क्वेश्चन नंबर 4, दिस वॉज अ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5।